क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। लोकमान्य हिंदी हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज का 35वां वार्षिक उत्सव समारोह संपन्न। नालासोपारा पूर्व के विजयनगर स्थित लोकमान्य हिंदी हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज का 3 दिवसीय रंगारंग 35वां वार्षिक उत्सव का आयोजन आखिरकार संपन्न हुआ। आयोजन के आखिरी दिन बच्चों ने मनमोहक नृत्य पेश किए, वहीं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने पूरे देश की संस्कृति एक ही मंच पर दिखाई। आयोजन को देखने के लिए छात्रों के परिजनों की काफी भीड़ नजर आई। वहीं आपको बता दें कि 3 दिवसीय आयोजन में अतिथि के तौर पर कई गणमान्य पधारे, जिसमें से जयप्रकाश सिंह ठाकुर, उत्तर भारतीय मोर्चा भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष एवं अमरजीत मिश्रा महाराष्ट्र राज्य फिल्म व सांस्कृतिक विकास मंडल एक थे। वहीं लोकमान्य हिंदी हाई स्कूल की नींव रखने वाले स्कूल के संस्थापक डॉक्टर राम सागर सिंह ने स्कूल शुरू करते समय आने वाली बाधाओं की जानकारी दी। सर, जब 1985 में इस स्कूल की नींव रखी गई, तब आपके सामने किस किस तरह की चुनौतियां थी? चुनौतियां देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आज जो भी व्यक्ति, संस्था, समाज के बच्चों को शिक्षा देने के लिए निकलती है, तो एक दो चुनौतियाँ नहीं, बहुत सी चुनौतियाँ हैं। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आज़ादी के बाद जब भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा था, तो उस समय इतने संसाधन नहीं थे। आज हमारे पास कंप्यूटर का युग चल रहा है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में काफ़ी संसाधनों की ज़रूरत होती है, खास करके विद्यार्थियों को विज्ञान की शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए एक अभियान सा चला। लेकिन दुर्भाग्य रही कि शिक्षा को में व्यावसायिकता और कंप्यूटर और एजुकेशन और ये सब देने के का जो अभियान चला, उसमें शिक्षा तो दूर रही, शिक्षा स्वयं व्यवसाय बन गई। आज स्थिति ये हो गई है कि बंबई जैसे महानगर में इस समय नेशनल इंटरनेशनल स्कूल्स और कॉलेज चल रहे हैं, और उनमें खास करके वो बड़ी फीस लेकर के बड़े घरानों को के बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लाखों की फीस आ रही है, उनको डोनेशन मिल रहा है और उनकी गाड़ियां दौड़ रही हैं। तो ये जो शिक्षा है, ये समाज में जो बड़ा वर्ग है, धनी वर्ग है, उन लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारा जो देश है वह किसानों का देश है। हमारा जो देश है वह कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर कि आज 80% जनता अभावग्रस्त रही। उससे भी दुखद बात यह रही कि आज भी यहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे जो जनता संघर्ष कर रही है, उन बच्चों के लिए शिक्षा का वह प्रबंध नहीं हो पाया है। वे बच्चे आज बड़े स्कूलों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो मेरी ज़िंदगी शिक्षक के रूप में बीती है, मैंने शिक्षक के ही रूप में अपनी सर्विस शुरू की, बेलरिया हाई स्कूल में, लिपाले में, और वहीं से मैं रिटायर हुआ। उस समय मैं पूना में जा करके MA BEd और PhD में मैंने कर लिया था, लेकिन वहाँ पर मैं गया जा करके फर्ग्यूसन कॉलेज में देखा, तो मुझे लोकमान्य तिलक जी की वहाँ पर एक पूरा कमरा भरा हुआ था, और वहाँ पर उनकी छड़ी, उनका चश्मा, उनका सब कुछ था। हम पढ़ाते समय महात्मा गांधी के और लोकमान्य तिलक जी के संबंध में पढ़ाते रहे, लेकिन वहाँ जाकर के मुझे प्रेरणा मिली, हाँ, कि हम शिक्षक हैं तो हम शिक्षा के ही क्षेत्र में अगर प्रचार प्रसार में लगें तो इसमें हमको सफलता मिलेगी। इसलिए
हमने उसका वो अभियान मैंने शुरू किया। अच्छी बात यह रही कि मैंने हिंदी में पीएचडी की और मेरे शोध ग्रंथ पर महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी से 10,000 का मुझे पुरस्कार मिला और महाराष्ट्र से मिला। तो मैंने सोचा कि ये जो पुरस्कार है कैलाश, ये महाराष्ट्र में ही खर्च होनी चाहिए और यहाँ के बच्चों को और शिक्षा में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा। इसलिए यहाँ पर प्लॉट खरीदा और यहीं से, जैसा कि बताया जेपी सिंह ने, कि एक विद्यार्थी, एक शिक्षक और एक कमरे से शुरुआत हुई और आज आपने देखा कि 14 हाई स्कूल चल रहे हैं हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के और 2 जूनियर कॉलेज चल रहे हैं। जूनियर कॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ कि आज जूनियर कॉलेज सबर्बन में खास करके यहाँ पर आकर के इन क्षेत्रों में महाराष्ट्र के ये पिछले के क्षेत्र हैं, थाना है, पालघर है, तलसरी है, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जो अभावग्रस्त झोपड़पट्टी के स्लम के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और वहाँ उनको। तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रही कि उन बच्चों के सामने हमको एसएससी बोर्ड की परीक्षा में वही सिलेबस है जहाँ पर कि लाखों की फीस लेकर के लोग पढ़ा रहे हैं और बच्चों को 90% से ऊपर पाने वाले बच्चों का ही एडमिशन होता है, बाकी 35% या पास मार्क के बच्चों का नहीं होता वहाँ पर। ऐसे बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए, ये चुनौती मेरे सामने थी कि सिलेबस वही है, पढ़ाई वही है, बच्चों को वही शिक्षा देनी है, तो हम इन बच्चों को कैसे दें। इसलिए वही शिक्षा आज हम दे रहे हैं बच्चों को और फीस के नाम पर यहाँ पर बच्चों को अच्छी फीस क्या देंगे, उनके पास तो कॉपी किताब का भी पैसा नहीं है तो वो कैसे लेंगे। इसलिए इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हम वही शिक्षा जो मॉडर्न शिक्षा है वो हम देने का बंदोबस्त हमने किया, खास करके साइंस लैब, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का और ये लेबोरेटरी तैयार करना बहुत ज़रूरी था, वो भी हमने किया। यहाँ पर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए इसके लिए बिल्डिंग बनवाना बहुत ज़रूरी था, ये सारा प्रबंध हमने किया और आज भी बच्चों के लिए वही शिक्षा हम दे रहे हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि यहाँ पर हमारे बच्चों की, हमारे शिक्षक इतनी मेहनत कर रहे हैं कि एसएससी बोर्ड में हमारे बच्चे 95 एंड अबव रिजल्ट आ रहा है, जबकि बच्चों के पास अभावग्रस्त बच्चे हैं और उनको पढ़ाई का साधन नहीं है। लेकिन हमारा जो मिशन है, मिशन हम मानते हैं इसको, शिक्षा जो है वास्तव में एक मिशन है और दुर्भाग्य की बात रही कि पहले शिक्षा मिशन थी, धीरे धीरे प्रोफेशन बनी, लेकिन आज कमीशन हो गई है। कमीशन का मतलब यह है कि बिना डोनेशन के, बिना कैपिटेशन फी के आपका अच्छे स्कूलों में एडमिशन आपके बच्चों का नहीं हो सकता। लेकिन हम इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं कि आपको जान करके खुशी होगी कि हमारे बच्चे यहाँ से निकलते हैं और जा करके ये MIDC और GIDC में सर्विस करते हैं और आज वो सर्विस में आ करके अपनी कमाई से जिन घरों में चूल्हे नहीं जल रहे थे उन घरों में चूल्हे जलने लगे, उन घरों से बच्चे स्कूल जाने लगे, बच्चे जो है अब उनके घरों में और उनके गांवों में से बच्चे जो है स्कूल की तरफ आ करके अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगर ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि जिन घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं हमारे बच्चे अगर वहाँ से कमा करके और अपना घर पालन पोषण कर रहे हैं तो
यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये हम सर्व शिक्षा अभियान, सरकार के सब शिक्षा अभियान में हम यही योगदान दे रहे हैं। चुनौती की बात है, और भी चुनौतियां हैं हमारे सामने, मैं उनकी उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारा लोकतंत्र आज 72 साल का हो गया है, लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र। और लोकतंत्र की जड़, लोकतंत्र की प्रगति और लोकतंत्र का विस्तार, और उसमें अगर कहीं हो सकता है तो शिक्षक शिक्षण के द्वारा ही, शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो शिक्षा को ही हमने लिया, और शिक्षा में भी अभावग्रस्त बच्चों को, गरीब बच्चों को, स्लम एरिया के बच्चों को हम शिक्षा कैसे दे सकते हैं, इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है और हम ये सफलता भी मिली है। और आज भी आप देख रहे हैं कि एक विद्यार्थी से यहाँ से शुरुआत हुई थी, एक स्कूल से शुरुआत हुई थी यहाँ पर 85 में, हाँ, और आज 14 विद्यालय महाराष्ट्र के उन ज़िलों में चल रहे हैं, जैसे थाना पालघर मैंने बताया, वो सब पिछड़े हुए ज़िले हैं। यहाँ पर गाँव में जा जा करके हम लोगों ने शिक्षा दी है और हमारे विद्यार्थी निकल रहे हैं, और 90% से ऊपर मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, उनको सर्विस मिल रही है। तो इन सारी चुनौतियों को स्वीकार करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं स्कूल संचालक और प्राचार्य जेपी सिंह ने एक क्लास, एक छात्र और एक शिक्षक को लेकर 14 स्कूलों तक के सफर का बयां किया। सिंह साहब, जो आपका स्कूल का 35वां वार्षिक वर्ष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे इस विषय पर? हमारी संस्था के द्वारा संचालित यह विद्यालय जो है लोकमान्य हाई स्कूल, यह हमारा 35वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, और इस कार्यक्रम में अभी तक 35 वर्षों में तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और मैं नाम गिनाऊँगा तो काफ़ी समय हो जाएगा, महाराष्ट्र के अन्य प्रांतों से लोग, तमाम शिक्षा जगत के, राजनीति जगत से, हर जगत से लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और इस विद्यालय के स्टेज पर, मंच पर सुशोभित कर चुके हैं। मैं यहाँ पर अभी जो हमारा परसों यह कार्यक्रम शुरू हुआ, तो परसों उद्घाटन के समय यहाँ महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर जी आए थे, और के साथ में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अमरजीत मिश्रा जी आए थे, जो कि फिल्म डिवीज़न बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं इस समय महाराष्ट्र के, वो यहाँ पर आए थे चीफ गेस्ट के रूप में। तो ऐसे तमाम लोग यहाँ पर आए, कल आए थे कुछ लोग यहाँ पर हमारे यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में, हमारा दूसरा दिन था, आज भी कुछ लोग आए हैं। तो ये जो है हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, हमारे लिए बहुत अभिमान की बात है कि ऐसे ऐसे हस्तियाँ जो हमारे विद्यालय में आती हैं, हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके, मैं उनका सबका ऋणी हूँ, विद्यालय उनका आभारी है। यहाँ पर हमारे संस्था के द्वारा संचालित जो विद्यालय चल रहे हैं इस समय, 14 विद्यालय चल रहे हैं और 2 जूनियर कॉलेज चल रहे हैं यहाँ पे, नाला सुपरा, विरार, इसी प्रकार से मनोर में, बोईसर में, पालघर में, डहाणू में, यहाँ पे आपके जो है उमरगांव में, यहाँ खपोली में, शाहपुर में, तमाम हमारे विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पर। और हम लोग सही मायने में संस्था जो है विद्यालय शिक्षा के लिए समर्पित विद्यालय है,
यहाँ पर हमारा जो काम चल रहा है, संस्था अपने मिशन को लेकर चल रही है कि हमारा एक भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रह जाए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उनका सपना है इस देश को शिक्षित बनाने का, उसको यहाँ पर हमारी संस्था उसको क्रियान्वित रूप में ला रही है और लोगों को शिक्षित करने का काम कर रही है। पूरे देश में एक भी विद्यार्थी, एक भी ऐसा बच्चा हो जो कि शिक्षा से वंचित रह जाए, ऐसा हम ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं कि सबको शिक्षा मिले। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर एक नई योजना जो बनाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लड़कियों की शिक्षा के लिए जितना और जागृत हैं, जो उनकी सोच है शिक्षा के प्रति, जो उनकी सोच है उस सोच को लेकर के हम चल रहे हैं। और हमारा विद्यालय इस नीति पर चल रहा है कि सभी को शिक्षा मिले, और इस बात को ध्यान में रखें कि जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सभी पढ़ें, सभी आगे बढ़ें, और आगे आने वाले दिनों में सभी को हम शिक्षा दे सकें। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि विद्यालय हमारी संस्था जो कार्य कर रही है आदरणीय बाबूजी के नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में ये कार्य हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे 35 वर्षों से ये कार्य चल रहा है। 1985 में इस विद्यालय की स्थापना हुई थी, तब से सतत ये कार्य करते आ रहे हैं कि कोई भी गरीब बच्चा, अभावग्रस्त बच्चा, जो उसके माता पिता के पास यदि पैसे का अभाव है तो शिक्षा से वंचित न रहे। इसलिए हमारी संस्था ने एक निर्णय लिया, हमारी बैठक हुई, हमारी बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अपना मिशन इसी तरह चलाते रहेंगे और सभी गरीब विद्यार्थियों को उनकी फीस, कपड़े, यूनिफॉर्म, पुस्तकें इत्यादि, जो गरीबमंद विद्यार्थी हैं जिनको आवश्यकता है वो अप्लाई करते हैं, उनको दिया जाता है। ऐसे लगभग लगभग 350 से 400 विद्यार्थियों की फीस माफ यहाँ पर हर साल होती है, संस्था उसका आह्वान करती है और विद्यार्थियों को पुस्तकें भी बांटी जाती हैं, उनको यूनिफॉर्म भी दिए जाते हैं जिसको जिसको गरज है, जिसको जरूरत है। तो हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात कि शिक्षा से जुड़े, चूँकि हमारे पिता आदरणीय डॉक्टर रामसागर सिंह जी, इनका उद्देश्य रहा है सर्व शुरू से शिक्षा और साहित्य के प्रति समर्पित हैं, तो आज शिक्षा जगत में इनका नाम है, इनकी इनके नाम को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि आगे इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में ये विद्यालय और रन करे और आगे बढ़े। और उद्देश्य लेकर एक चल रहे हैं कि जो जितने ग्रामीण भाग हैं, एक बात जरूर सुनिएगा कि हमारा विद्यालय जहाँ भी रन कर रहा है, जहाँ भी चल रहा है, ये सारा ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है, आदिवासी क्षेत्रों में चल रहा है, और वहाँ पर सभी आदिवासी बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर तलासरी में जैसे चल रहा हमारा विद्यालय, वहाँ आदिवासी ज़्यादा है, वहाँ गरीब विद्यार्थी ज़्यादा है, तो वैसे विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और वहाँ तो फीस आती नहीं, तो उसका संस्था उसका वहन करती है। ऐसे हमारे आदरणीय पिताजी ने, बाबूजी ने जो संकल्प लिया है शिक्षा के प्रति और साहित्य के प्रति, उसको आगे बढ़ाने का काम हम हमारे कंधों पर जो दिया है हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं और संस्था समर्पित भाव से काम कर रही है। आपको बता दें कि आज लोक भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत कैलाशपुरी सेवा समिति द्वारा संचालित लोकमान्य हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज के 14 स्कूल व 2 जूनियर कॉलेज हैं, जो कि सभी के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जहां सही मायने में शिक्षा की जरूरत है। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज़ की एक रिपोर्ट।